नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संजीव शर्मा वीडियो लॉग में। आज की वीडियो जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि आपने जब गाड़ी ली है तो आपने इंश्योरेंस में कितने पैसे पे किए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने इंश्योरेंस में जो पे करना है उसमें कितना नेगोशिएशन हो सकता है और उसमें आपने कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो ऐड ऑन करवानी है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो आज की वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर स्किप हो जाएंगी तो हो सकता है कि आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ना जा पाए। तो आप सब लोगों को हमारे स्वतंत्रता दिवस की जो शाम है, कल हमारा 15 अगस्त है, उसकी शाम आज पूर्व संध्या जिसे हम कहते हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दोस्तों को जय हिंद, राधे राधे। तो सबसे पहले जब हम शोरूम में जाते हैं तो कंपनी में जो भी आपको जो प्राइस जो है वो आपको भेजते हैं तो उसमें इंश्योरेंस की जो वैल्यू आ रही है वो BXA में दिखाते हैं 40, 41, 42 हज़ार। तो आपने जब डीलर के पास जाना है तो वो आपको बताएंगे कि हमारे पास ऑनलाइन जो है वो कितने इंश्योरेंस कंपनी के अवेलेबल हैं। जो भी कंपनी के इंश्योरेंस अवेलेबल होंगे तो उन सब के अलग अलग प्राइस होंगे, लेकिन उन प्राइजेज में कैच होता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रूफ कि उन प्राइस में क्या कैच होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइस में कैच कैसे आता है। तो आप को देखो कि जब मैं वहां पर शोरूम गया था तो उन्होंने मुझे अलग अलग कंपनी के जो है वो प्राइसेस दिखाए कि टाटा का जो है वो आ रहा है 27,528, LGI का आ रहा है 27,617 रुपये, IFFCO जो है वो 29,209 रुपये दे रहा था, SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो 32,509 और समोपो का जो दे रहा था 30,740 और करंट प्रपोजल जो बजाज का था वो उसमें जो आई कोस आई है वो 35,817 रुपये आई है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर आपने जो इतने लिया है तो आपने हाईवे वाला क्यों लिया है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि दो चीज़ें जब भी आप इंश्योरेंस लें, ये मत देखें कि इंश्योरेंस सिर्फ सस्ता है, आपको साथ में ये भी देखना है कि जो आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें आप एड ऑन सर्विसेज कौन सी ले रहे हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एड ऑन सर्विसेज जो हमने ली है वो कौन कौन सी ली है, उसका फायदा क्या है। देखो यहाँ पर एड ऑन कवर जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है ZD and RTI, NCB जो होता है वो नई गाड़ी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ZD और RTI हमने ली है। मैं आपको बताता हूँ ZD और RTI का क्या मतलब होता है। अब जब आप एड ऑन सर्विसेज जो हमने लिए जीरो डेप्रिसिएशन लिए उसका फायदा क्या होता है, वो होता है बम्पर टू बम्पर। मतलब जनरली क्या होता है कि आप जब गाड़ी लेते हैं तो उसमें कई प्लास्टिक के पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे आपका हेडलाइट है, ग्लास वाला पार्ट है, तो कल को कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसमें क्या करते हैं कि अगर आपने ZD नहीं लिया है तो आपका ये पार्ट में से वो 50% जो है वो डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, काट लेते हैं। जब आप क्लेम करते हैं तो उसमें 50% जो है वो काट लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल और ग्लास वाला जो पार्ट है वो इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन लिया है तो आपका बम्पर टू बम्पर जो है वो इंश्योरेंस कवर होता है, आपको पूरा पैसा जो है वो प्लास्टिक का पार्ट का या जो भी ग्लास पार्ट का होगा वो आपको मिलेगा। और दूसरी अगर हम बात करें RTI का मतलब है रिटर्न टू इनवॉइस। इसका मतलब ये होता है कि अगर गाड़ी में कुछ मिसहैपनिंग होती है, मिसहैपनिंग का मतलब हुआ कि गाड़ी में बाई चांस कोई आग लगी या गाड़ी आपकी चोरी होगी, तो अगर आपने RTI इसमें इंक्लूड किया हुआ है तो जो भी इनवॉइस की वैल्यू होगी उसका आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ही समझाता हूँ कि हमने 11,05,000 की गाड़ी ली है तो अगर एक साल बाद या 6-8 महीने बाद कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो वो क्या करते हैं कि जो उनकी वैल्यू होती है वो उस पर आपको जो है वो पैसा जो वो देंगे, उसमें जो पॉलिसी एक्सपेंसेस होगा वो माइनस कर देते हैं। मान लीजिए आपने 11 लाख की गाड़ी ली तो उस टाइम जो वैल्यू है वो आपकी 9.5 लाख की है, तो 9.5 लाख माइनस पॉलिसी एक्सपेंसेस में से वो पैसा डिडक्ट करके आपको देंगे, मतलब आपका नहीं है वो 2 लाख का नुकसान जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर आपने RTI इसमें एड ऑन सर्विसेज लिया हुआ है तो आपको पूरा का पूरा 11 लाख रुपये ही मिलेगा। तो जब भी आप पॉलिसीज लें तो ये समझिए कि जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है। तो ये ध्यान रखें कि जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उसमें एड ऑन सर्विसेज आपको क्या क्या देने और आपको मतलब भी पता होना चाहिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ताकि जब भी आप इंश्योरेंस लें तो आपको समझ में आए कि इंश्योरेंस की जो पॉलिसी के रेट जो है वो ज़्यादा है क्यों है और आप क्या क्या सुविधाएं आपको देख रहे हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों और आपको स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।